दतिया जिले में बड़ी घटना हुई आज सुबह। इंदरगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक विवेक शर्मा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इंदरगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक विवेक शर्मा ने सुबह 6 बजे ड्यूटी करने थाने पर आए थे। ड्यूटी के दौरान सुबह करीब 7:30 बजे 303 बंदूक से गले में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय थाने में थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी मौजूद नहीं थे। थाने में ड्यूटी के दौरान की है घटना। आरक्षक को अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ने आरक्षक को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही आरक्षक के परिजन और ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल में आकर ग्वालियर के रहने वाले थे। आरक्षक विवेक शर्मा, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी अस्पताल में मौजूद। आरक्षक विवेक शर्मा ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी न परिजनों को है ना ही पुलिस विभाग को। सूचना पर अस्पताल में फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने अपने स्तर पर मामले की जांच की। मामले की पुलिस विवेचना कर रही है। आरक्षक विवेक शर्मा को एक लड़का और एक लड़की है। लड़के की उम्र मात्र 2 महीने की बताई जा रही है। वर्ष 2017 में शादी हुई थी। आरक्षक विवेक शर्मा सीधा साधा शांत प्रवृत्ति का आरक्षक थे। शिवरमन सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। तो कैसे हुई घटना, इसके बारे में विस्तार से बताएं, क्या डिप्रेशन था या क्या? कुछ नहीं था, वो इस धीरेन्द्र मिश्रा जी थे, चौकी प्रभारी, चौकी पर रख गए थे। वहाँ चौकी में नौकरी करते रहे। दूसरे टीआई साहब आए, उन्होंने वहाँ से हटा दिए। तो उनका मन डिस्टर्ब सा हो गया था, नौकरी मन नहीं लग रहा था। तो मेरे से 2-3 दिन पहले चर्चा की, फिर कल भी मैंने कही तो तुम बजा छुट्टी ले आओ। और 5 दिन की छुट्टी लगे, पहले बिजली सर कहीं नहीं गई। कटी साहब से मैंने खुद बात करी 2 दफ़े, मेरी साहब वो ड्यूटी वूटी मर लेना, इनको बाहर ड्यूटी लगा रही थी कहीं, मुझे पकड़ नहीं ले ली, तो वो बाहर नहीं गई ड्यूटी। तो इन्होंने पैरा लगा दिया उनका, 9 से 12 पैरा भी किया। रात में बात हुई तो उस 6 से 9 में पेरे में आए, बता रहे लोग बाद मैं तो नहीं देखा, मैं गया हूँ कि थाने ग्राउंड में बैठे थे, बाद गोली मार। देखिए, अभी तक जितने भी तथ्य आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि आरक्षक जो संतरी पहरे पे था, गोली लगने से उसकी डेथ हो गई है। ये सभी कारणों को हमने अपनी जांच में लिया हुआ है और उसकी विस्तृत गहनता से उसकी जांच की जाएगी कि क्या कारण है, कि क्या परिस्थितियां रहीं, किस प्रकार से ये हुआ, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। अभी प्रारंभिक तौर पर उसका जो FSL है उससे उसका जांच करा दी गई है। PM हो रहा है, डॉक्टरों से भी उसमें क्वेरी करके क्या हुआ, किस प्रकार हुआ होगा, ये किस प्रकार की घटना घटित हुई है, जब पूरे तथ्य आ जाएंगे तभी इस बारे में कोई भी आपको स्पष्टता बताया जा सकता है। परिजनों का कहना है कि डिप्रेशन में था, सर्विस को लेकर तो वो कुछ कारण अगर निकल गया है। परिजनों का कहना है कि जैसे डिप्रेशन में था, लेकिन आपने जैसे अन्य लोगों से पूछा, स्टाफ से भी पूछा, किसी ने भी इस प्रकार का ये नहीं बताया कि किस प्रकार से अगर डिप्रेशन में था तो क्या कारण है। उनकी भी हम सभी जाँच करेंगे, विस्तृत पूरी उसमें जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य निकल के आएंगे आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है।